हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूरे एक साल के करंट अफेयर। यह सिर्फ रेलवेज एनटीपीसी और जो रेलवेज के दूसरे एग्जाम हैं उनको दिमाग में रख के तैयार किए गए हैं। ये कंपाइलेशन वीडियो है, जो भी मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले वीडियो अपलोड किए थे वो सारे कंपाइल इस वीडियो में किए गए हैं। तो ये एक ही वीडियो काफ़ी होगा अगर आप पूरे एक साल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रेलवेज के लिए करंट अफेयर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने एक नई मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसको एन ग्राम बोलते हैं। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और इस मिसाइल को बनाया है DRDO ने। आपको बता दूं, इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI हवाई यान से, यानी लड़ाकू विमान से दागा गया था बालासोर ओडिशा से। इनमें से कौन सा भारत का पहला IIT है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक बीटेक कोर्स शुरू किया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर एक स्पेशलाइज्ड बीटेक कोर्स शुरू करा है, इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करा है? यह है IIT हैदराबाद। और एक बात और याद रखिए, भारतीय जो कृषि है यानी एग्रीकल्चर, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने IBM कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है। ये भी याद रखिए, IBM कंपनी, और IBM कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं वाटसन, WATSON, वाटसन। कौन सा देश है जिसका अंतरिक्ष यान चैंग E-4, उसने अपनी चंद्रमा पर पहली लैंडिंग करी? ये सॉफ्ट लैंडिंग थी। दो तरह की लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग। फर्क ये होता है, अगर कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा पे हार्ड लैंडिंग करता है, मतलब वो चंद्रमा का जो सरफेस है, चंद्रमा की जो सतह है, उसके ऊपर जाएगा और टूट जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुंचेगी। सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर वो चंद्रमा की सतह पे आराम से उतर जाता है, उसे बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो भारत हार्ड लैंडिंग पहले कर चुका है चंद्रयान 1 से। ये चंद्रयान 2 जो भारत ने अभी अभी लॉन्च करा है, ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हार्ड लैंडिंग हम पहले ही कर चुके हैं, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है, यानी मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चाइना ये काम कर चुके हैं। तो चाइना ने अपनी जो सॉफ्ट लैंडिंग करी थी वो चैंग E-4 से करी थी। तो आंसर है इसका चाइना। चाइना की जो अंतरिक्ष इकाई है उसे बोलते हैं CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। CNSA को CNES के साथ कंफ्यूज मत करना, ये मिलते जुलते नाम है, क्योंकि फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं CNES, और भारत की को बोलते हैं इसरो, आप जानते ही हैं, अमेरिका को बोलते हैं नासा, और यूरोप की है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की है जाक्सा, JAXA, रशिया की है रोस्कोस्मोस, ये भी पूछ सकते हैं रोस्कोस्मोस। 2019 में इसरो कितने स्पेस मिशंस करेगा? टोटल इसरो कितने मिशन करेगा 2019 में? इसरो करेगा 32 स्पेस मिशंस, और इनमें चंद्रयान भी है, आप जानते हैं। चंद्रयान अभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं उड़ पाया था अपने सही समय पर। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे और मिशन होंगे। गगनयान मिशन जो है हमारा, जो हमें 2022 तक पूरा करना है, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं, और उसके लिए भी छोटे छोटे मिशन किए जाएंगे। तो टोटल 32 स्पेस मिशन होंगे 2019 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ खोला है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ये बेंगलुरु में खुला है। बेंगलुरु ही हेडक्वार्टर है इसरो का, और इसको लॉन्च किया था इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन ने, और अभी के जो चेयरमैन है K-7 ने। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के हेड कौन होंगे? S-19 नायर, ये डायरेक्टर होंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के। ये मदद करेगा इसरो की स्पेस मिशंस के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। और जो गगनयान मिशन है, जो गगनयान मिशन हम 2022 तक पूरा करना है, इसमें 3 अंतरिक्ष वैज्ञानिक जाएंगे गगनयान में बैठकर, 7 दिन के लिए जाएंगे, और धरती से लगभग 400 किलोमीटर दूर गगनयान अपनी उड़ान भरेगा। तो गगनयान के लिए ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु में।
गगनयान पे लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा, 10,000 करोड़ का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उन्नति प्रोग्राम शुरू करा है, इसमें एक ही फुल फॉर्म क्या है? उन्नति प्रोग्राम नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए करा है, नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, यानी कि ए से हो गया असेंबली, असेंबली। ये प्रोग्राम 18 जून 2018 को वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में के सिवन ने लॉन्च किया था। इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की सैटेलाइट, ये बच्चों के द्वारा बनाई गई थी, तो इसको लॉन्च करा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कलाम सैट। कलाम सैट को बनाया था एक लड़का है रिफात शरूक, इसकी टीम ने, रिफात शरूक की टीम ने बनाया था कलाम सैट को। और कलाम सैट को कौन सा रॉकेट लेके उड़ाए? पीएसएलवी C-44। दो सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं पीएसएलवी C-44 से, एक तो माइक्रोसैट आर और एक कलाम सैट V-2। दोनों के नाम अच्छे से याद कर लो, माइक्रोसैट आर और कलाम सैट V-2। पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी मतलब जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहां से लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2019 को। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्रा, ये भी याद रखिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। इसरो ने ये डिसाइड करा है कि जो लिथियम आयन सेल बनाने की टेक्नोलॉजी है वो कितनी कंपनियों को वो ट्रांसफर करेगी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी कंपनियों को ट्रांसफर करेगी। ये कंपनियां हैं 10 कंपनियां हैं जिन्हें इसरो ये टेक्नोलॉजी देगी। अब इसमें ये भी याद रखना है आपको, ये लिथियम आयन टेक्नोलॉजी जो है, लिथियम आयन सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तुम्बा में बनी है। लिथियम आयन सेल बनाने की टेक्नोलॉजी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि केरला में है, तुम्बा में, तिरुवनंतपुरम, वहां पे ये डेवलप की गई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस करा कि उन्होंने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। डिफेंस सैटेलाइट है ये, डीआरडीओ के लिए लॉन्च किया, डीआरडीओ के लिए इन्होंने लॉन्च किया जो सैटेलाइट, उसका नाम है एमीसैट। सो एमीसैट जो सैटेलाइट है, इसके साथ कुछ अमेरिका की सैटेलाइट्स भी लॉन्च करी, और ये भी श्रीहरिकोटा से की गई। ये पीएसएलवी C-45 रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, पीएसएलवी C-45। तो एमीसैट जो है किस तरह की सैटेलाइट है? ये डिफेंस के काम आएगी, ये एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट कर पाएगी और इंटेलिजेंस के लिए यूज होगी। इसरो आदित्य L-1 जो सोलर मिशन है इसरो का, आदित्य L-1 उसको किस साल में लॉन्च करेगा? सूर्य ग्रह को स्टडी करने के लिए ये 2020 में लॉन्च किया जाएगा, 2020। और सूरज के ऊपर ये लगातार नजर रखेगा, सूरज से सुरक्षात्मक दूरी बनाए रखेगा, कोरोना को स्टडी करेगा, सूरज के वातावरण को स्टडी करेगा। एक बात और याद रखिए, नासा जो है उसका भी एक मिशन है सूर्य के लिए, इनफैक्ट दो हैं, एक तो है पंच मिशन और दूसरा है पार्कर मिशन। ये दोनों मिशन जो है, पंच और पार्कर, ये सूरज के लिए है नासा के। एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो कलाम सेट सैटेलाइट है V-2, जो दुनिया की सबसे हल्की सैटेलाइट है, इसका वजन कितना है? इसका वजन है 1.26 kg, सवा किलो, सिर्फ सवा किलो, 1.26 kg की है ये सैटेलाइट। इसरो ने अपना 40वां संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, इसका नाम क्या था? ये आपके टीवी और इसके जो सिग्नल होते हैं डीटीएच वगैरह के, टीवी के सिग्नल संचार में मदद करेगा, इसका नाम है जी सैट 31। इसको फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया था, ये 40वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसरो का। और
किस किस चीज में यूज होगा? टेलीविजन, डीटीएच, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज, टेलीविजन अपलिंक, वी सैट नेटवर्क वगैरह में यूज होगा। एक चीज और याद रखिए, एक सैटेलाइट है जिसका नाम है जी सैट इलेवन। ये सबसे हैवी सैटेलाइट है इसरो का। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसरो का सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा है? सबसे भारी है जी सैट इलेवन। और अगर पूछें इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, तो उसको बोलते हैं GSLV MK3। इसको बाहुबली कहा जाता है। ओके, GSLV MK3 सबसे हैवी, सबसे भारी रॉकेट है इसरो का, इसे बाहुबली कहा जाता है। और सबसे भारी सैटेलाइट है जी सैट इलेवन। इसरो ने अपने कौन से पहले कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट की 50वीं वर्षगांठ मनाई? ये सॉलिड प्रोपेलेंट हमने खुद भारत में बनाया था, इसका नाम है मृणाल। मृणाल को यूज कब किया गया था? 21 फरवरी 1969 को यूज किया गया था, रोहिणी सीरीज का RH-75 साउंडिंग रॉकेट उसके अंदर यूज किया गया था। और ये लॉन्च हुआ था थुम्बा केरला से। ये पहला हमारा देसी कंपोजिट प्रोपेलेंट था जो हमने यूज किया था, मृणाल। इसरो ने एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम शुरू करा, इसका नाम क्या रखा? स्कूल के बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इन्होंने मई में शुरू किया था 2019 में। इसका नाम था युविका। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट बेंगलुरु में किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। के सिवन ने इसे लॉन्च किया था, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युविका, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने एग्रीमेंट करा है कौन से कंट्री के साथ? ये दोनों मिलके जॉइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस करेंगे, जॉइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम सेटअप करेंगे। तो ये करा है फ्रांस के साथ। फ्रांस की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं CNES और चाइना की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं CNSA। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA चाइना की है और CNES है फ्रांस की। कौन सा IIT है जिसके साथ मिलके इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बना रहा है? तो दो IITs के साथ मिलके बना रहा है, एक तो IIT रुड़की और एक IIT गुवाहाटी। दोनों याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। IIT रुड़की और IIT गुवाहाटी दो जगह बना रहा है इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल। पहला अंतरिक्ष में होटल बन रहा है, अंतरिक्ष में होटल बन रहा है जिसका नाम है ओरोरा स्टेशन। इसको जो कंपनी बना रही है होटल को अंतरिक्ष में, उसका नाम है ओरियन स्पैन। ये कब शुरू हो जाएगा? अंतरिक्ष में होटल 2021 में शुरू हो जाएगा। 2021। नासा की कौन सी दूरबीन है जिसका कैमरा उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि उसमें एक हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई थी? ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। भारतीय मूल की तीन महिलाएं हैं जिन्हें स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स, इनको मिला के बोलते हैं स्टेम। आपसे एग्जाम में स्टेम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो स्टेम के अंदर इन्हें दुनिया की 60 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में चुना गया है, भारत की तीन महिलाओं को। ये भारतीय मूल की हैं, जरूरी नहीं है भारत की हैं। तो ये लिस्ट कौन सी कंट्री ने दी थी? ये लिस्ट दी थी ऑस्ट्रेलिया ने। ये तीन महिलाएं हैं ओनिशा पटेल, देविका कामत और आशा राव। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया खुद भारत में बनाया हुआ अपना खुद का गाइडेड रॉकेट सिस्टम। ये पोखरण के मरुस्थलों में किया गया ये प्रक्षेपण, तो ये राजस्थान में पोखरण में किया गया, सफल परीक्षण हुआ एकदम, DRDO ने किया। तो हमारे भारत के खुद के बनाए हुए गाइडेड रॉकेट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं पिनाका। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसने क्रू ड्रैगन टेस्ट कैप्सूल लॉन्च करा? क्रू ड्रैगन करा स्पेस एक्स ने, और स्पेस एक्स अमरीका की स्पेस एजेंसी है नासा की तरह। इस मिशन का नाम था डेमो वन। और जो रॉकेट यूज किया गया क्रू ड्रैगन को ले जाने के लिए अंतरिक्ष में, वो था फैल्कन 9 रॉकेट। तो फैल्कन 9 बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है स्पेस एक्स का, फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी। PSLV के हम दो तरह के रॉकेट यूज करते हैं नासा में, PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। फुल फॉर्म भी आती है कई बार, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। दो तरह के रॉकेट हम यूज करते हैं।
इसरो में, और जो चाइना यूज करता है रॉकेट उसको बोलते हैं लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च। और रशिया, रूस जो यूज करता है रॉकेट उसको बोलते हैं सोयुज, SOYUZ, सोयुज। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने महिलाओं की एक स्पेस वॉक करी 29 मार्च 2019 को? कहने का मतलब, जब अंतरिक्ष यान में बैठ के महिलाएं अंतरिक्ष में पहुंच जाती हैं तो वहां पे अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकल के आसमान में चलती हैं, तो इसको बोलते हैं स्पेस वॉक। ये करी नासा के वैज्ञानिकों ने, तो दो महिलाओं ने करी, एक तो क्रिस्टीना कोच और एक एन ए मैकेन। एक बात आपको बता दूं, अगर कोई महिला है, महिला ही नहीं, महिला पुरुष कोई भी, जिसका रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड कि वो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिनों तक रही, वो है क्रिस्टीना कोच। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था पैगी विटसन का, नासा की वैज्ञानिक पैगी विटसन, इन्होंने लगभग 288 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, लेकिन क्रिस्टीना कोच जो है इन्होंने 300 से ज्यादा दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो ये नाम कभी नहीं भूलना आपको, क्रिस्टीना कोच। कौन सा भारत का IIT है जिसने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे पेट्रोल का जो कचरा होता है उसको टोलुइन बोलते हैं, पेट्रोल के कचरे को, तो उसको बेंजोइक एसिड में बदला जा सकता है। टोलुइन जो है ये काफी घातक होता है, जहरीला होता है, लेकिन बेंजोइक एसिड जो है ये हमारे काम आता है, क्योंकि ये खाने के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जो भोजन है वो खराब ना हो, सड़े ना, तो उसको लंबे समय तक वायबल रखने के लिए बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोलुइन से हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। ऐसा तरीका निकाला है अभी अभी कौन से IIT ने, ये IIT है IIT मद्रास। इसके दो फायदे होंगे, एक तो टोलुइन जैसा जहरीला केमिकल हमें खत्म कर पाएंगे हम, और दूसरा हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा जिसका इस्तेमाल हम भोजन में कर सकते हैं। कौन सा IIT है जिसने तीरथ नाम की कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला है, एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा से पानी निकाल सकती है? हवा में जो वाष्पीकरण के बाद पानी होता है, भाप होती है, उसको ये पानी में बदल सकती है, और ये पानी पीने के काम भी आ सकता है। और ये जो डिवाइस बनाया है इसका नाम रखा है नीरो, NERO। ये करा है IIT मद्रास ने ही, नीरो नाम की मशीन बनाई है, 4 से 5 लीटर पानी रोज बना सकती है ये हवा से पानी निकाल के। इसरो ने भारत की पहली रॉकेट लॉन्च व्यूइंग फैसिलिटी शुरू करी है कौन से राज्य में? यानी जब इसरो रॉकेट को छोड़ेगा अंतरिक्ष में तो आप उसे देख सकते हैं एक ऑडियंस की तरह। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में शुरू करा है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और श्रीहरिकोटा है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। इसरो जो है अगले 10 सालों में, ये पूछा है कि इसरो कितने मिशन करेगा अगले 10 सालों में, यहां उल्टा करके पूछ लिया कि इसरो 7 मिशन करेगा, बड़े मेगा मिशन 7 करेगा अगले कितने सालों में, तो आंसर है 10 सालों में 7 मिशन। ये पता होना चाहिए आपको 7 मिशन कौन कौन से हैं, चंद्रयान द्वितीय, एक्सपोसैट जो है यूनिवर्स में कॉस्मिक रेडिएशंस को स्टडी करेगा, आदित्य L1 सूरज को स्टडी करेगा, मंगलयान आपको पता ही है, मंगल ग्रह मार्स को बोलते हैं, मार्स मिशन है ये, वीनस शुक्र ग्रह को बोलते हैं, वीनस मिशन भी करेगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन करेगा, और एक्सो वर्ल्ड्स। तो ये है 7 मिशन इसरो के जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 7ों के नाम याद होने चाहिए, चंद्रयान, मंगलयान द्वितीय, दोनों द्वितीय हैं, आदित्य L1, एक्सपोसैट, वीनस मिशन, लूनर प्रोब एक्सप्लोरेशन और एक्सो वर्ल्ड। इसरो ने कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करा है जिसका नाम है PSLV C-46? PSLV C-46 रॉकेट है जिससे लॉन्च करा है, सैटेलाइट का नाम पूछा है, तो सैटेलाइट का नाम है रीसेट टू बी, और ये रिप्लेस करेगी रीसेट 2 को, जो बहुत पुरानी हो गई है रीसेट 2, तो अब हमें उसको रिप्लेस करके रीसेट 2B। रीसेट 2B धरती के फोटो खींच पाएगी दिन के समय, रात के समय, या अगर मौसम खराब है, रेनी या क्लाउडी कंडीशन है तो भी। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई थी रीसेट 2B। इसरो ने अभी अभी मई 23, 2019 को अपनी व्यावसायिक शाखा का अनावरण किया, कमर्शियल आर्म इसका नाम क्या है, तो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, और जिसका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है वो है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। दो लोगों ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन करा वहां, मतलब मेन इनॉग्रेशन तो किया डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है, लेकिन वहां पे K-7 भी मौजूद थे। इनमें से इसरो जो है उसने कौन सी भारत की सेना या संगठन के साथ पार्टनरशिप करी है? जो गगनयान मिशन होगा, अंतरिक्ष का मिशन इसरो का, उसके लिए जो क्रू चाहिए उसको ट्रेनिंग भी देगा और सिलेक्शन भी करेगा ये संगठन। ये कौन सा है? ये है
इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन वो ये काम करेगा कि जो क्रू है उसको सिलेक्ट करना और उसको ट्रेन करना। जीएसएलवी MK3 जो मैंने बताया बाहुबली सबसे भारी रॉकेट है, जीएसएलवी MK3 वो यूज होगा गगनयान मिशन में और तीन लोग जाएंगे, तीन मेंबर का क्रू होगा जो जाएगा गगनयान मिशन पे। भारत जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, कौन से साल तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा? अभी सिर्फ तीन कंट्रीज हैं जिनका अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन है, अमेरिका का, चाइना का और रशिया का, और एक सब बहुत सारे कंट्रीज का मिलके है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो एक अलग है। भारत 2030 तक प्लान कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। इसका वजन होगा 20 टन, 20 टन, और माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट भी इससे किए जाएंगे। पहली बार इसरो ने एक महिला को मिशन डायरेक्टर बनाया है चंद्रयान द्वितीय के लिए। ये महिला कौन है? पहली बार एक महिला है जो मिशन डायरेक्टर बनी है, और ये मिशन डायरेक्टर बनी है चंद्रयान द्वितीय की। इनका नाम है रितु करिधल और मुतैया वनिता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो दोनों शब्दों में फर्क है, मिशन डायरेक्टर है रितु करिधल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मुतैया वनिता, दोनों याद रखने। इनमें से नेशनल सिस्टम गोल्ड मेडल किसे मिला? सिस्टम सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल सिस्टम गोल्ड मेडल मिला के सीवन को। के सीवन इसरो के जो चेयरमैन है, इन्हें ये मिला। क्यों मिला? फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसरो ने कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था? जीएसएलवी F11 रॉकेट से। जीएसएलवी F11 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था 19 दिसंबर 2018 को? यह सैटेलाइट था GSAT-7A। GSAT-7A सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो वेट है वो है लगभग 2250 kg। जीएसएलवी F11 से इसे लॉन्च किया गया था। यह इसरो का 35वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। भारत का सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है जिसे 5 दिसंबर 2018 को इसरो ने लॉन्च किया था फ्रेंच गिनी से? रॉकेट का नाम था एरियन 5 रॉकेट। तो सबसे भारी कौन सा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट? GSAT-11। GSAT-11। भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो ने लॉन्च किया, इसका नाम क्या था? हाइपर स्पेक्ट्रल, इसका नाम था हाइसिस। हाइसिस इसका काम क्या है? यह अर्थ के सरफेस को स्टडी करेगा विजिबल इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे कृषि में, फॉरेस्ट्री, सॉइल, एनवायरनमेंट, कोस्टल जोन, इनलैंड वाटर, इन सबको स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो हाइसिस को लॉन्च किया गया था PSLV C-43 से। इसरो कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सतीश धवन फॉर स्पेस साइंस बना रहा है? सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंस। इसरो ने PSLV C-42 का इस्तेमाल करके कौन सी कंट्री की दो सैटेलाइट लॉन्च करी? एक तो है नोवासर और एक है S-14। ये दो सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च करी PSLV C-42 रॉकेट से। ये दो सैटेलाइट कौन से कंट्री की हैं? ये दोनों हैं यूके की हैं। ये यूके में एक कंपनी है जिसका नाम है सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। उनका कॉन्ट्रैक्ट था अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के साथ जो इसरो की कमर्शियल आर्म है। सबसे पहली रिमोट सर्जरी एक ह्यूमन ब्रेन के ऊपर हुई 5G टेक्नोलॉजी की मदद से। ये कौन सी कंट्री में हुई? ये हुई चाइना में। पहली 5G टेक्नोलॉजी की मदद से मानव मस्तिष्क के ऊपर जो सर्जरी हुई वो चाइना में हुई। इसको किया था चाइना के डॉक्टर लिंग जीपी। और जो 5G इंटरनेट दिया था वो दिया था हुआवी और चाइना मोबाइल। अभी अभी एक अल्ट्रावायलेट किरणों का समूह, सितारों का समूह खोजा गया है, और ये भारत के वैज्ञानिकों ने खोजा है। इन्होंने इंडिया की मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट का इस्तेमाल करके इसको खोजा है। तो ये इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? ये ऐसा तारों का समूह है जिसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। और आपको ये भी बता दूं,
कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये भी तीन तरह की होती हैं, ए, बी और सी। इनमें जो सी है ये सबसे ज़्यादा घातक होती है। और अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं इनको हमारा जो ओजोन लेयर है वो छान देता है, वो फिल्टर कर देता है, इसलिए हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अगर ओजोन नहीं होगा तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें ज़मीन पर आ जाएंगी, धरती तक आ जाएंगी और कुछ भी यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा, जीवन धरती पर संभव नहीं हो पाएगा। ओजोन लेयर जो है इसको हम लिखते हैं O3, ओजोन गैस को लिखते हैं O3, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। और ओजोन में अगर छेद हो जाए तो हम उसे बोलते हैं ओजोन होल, और इसे नापा जाता है डॉब्सन यूनिट के अंदर। ओजोन होल बहुत छोटा होता है तो उसे हम मीटर सेंटीमीटर वगैरह में नहीं नापते, हम उसे नापते हैं एक विशेष इकाई में जिसको बोलते हैं डॉब्सन यूनिट। और ओजोन होता कहाँ पे है, ये समताप मंडल में होता है यानी स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो ये तारों का जो गुच्छा है इसका नाम रखा है NGC 2808। धरती से बहुत दूर है ये, धरती से ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। कितना दूर है ये भी याद रख सकते हैं आप, 47,000 प्रकाश वर्ष दूर है, 47,000 लाइट ईयर दूर है। याद रखिए लाइट ईयर टाइम की नहीं डिस्टेंस की यूनिट होती है। इनमें से कौन से देश का अंतरिक्ष यान है सोयूज उसने उड़ान भरी और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया? सोयूज कहां का है अंतरिक्ष यान, ये है रशिया का, रशिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक स्कीम शुरू करी है भारत में साइंस प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, यानी जो लोग विज्ञान में अनुसंधान करना चाहते हैं उनको, उनके लिए एक कोष बनाया गया है, उनके लिए एक योजना शुरू करी गई है। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में करी गई। इस योजना का नाम क्या है, इसका नाम है स्टार। तो स्टार की फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, यानी कि स्टार्स, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। नेशनल साइंस डे हम क्यों मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिए बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए नहीं मनाते कि उस दिन डॉक्टर सी वी रमन का बर्थडे होता है। कई लोग ये सोचते हैं हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन डॉक्टर सी वी रमन का बर्थडे होता है, नहीं, डॉक्टर सी वी रमन का बर्थडे उस दिन नहीं होता। डॉक्टर सी वी रमन ने अपनी जो आविष्कार था जिसको बोलते हैं रमन इफेक्ट, उसकी खोज करी थी 28 फरवरी को, इसलिए हम मनाते हैं। तो डॉक्टर सी वी रमन भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, ऐसे भारत के पहले वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर सी वी रमन जो हैं इन्होंने 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इसीलिए हम 28 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे। आप ये वीडियो देख रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये मनाते हैं हम 11 मई को हर साल। क्यों, क्योंकि 1998 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट करे थे पोखरण के अंदर राजस्थान में, उसकी याद दिलाता है ये, वो हमने 11 तारीख को किए थे। इसका नाम था मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। जो स्टार्स योजना है इसके अंदर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो फंड किए जाएंगे। आपको बता दूं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक श्रेयस योजना भी शुरू करी है, श्रेयस। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने एक सऊदी की सैटेलाइट को पहली बार लॉन्च करा है, ये इसका पहला व्यावसायिक लॉन्च है, ये करा है स्पेसएक्स ने। तो स्पेसएक्स ने अपना फैल्कन हैवी रॉकेट यूज करते हुए सऊदी अरब की एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके गए, ये 11 अप्रैल 2019 को। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है बहुत बड़ी, जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के कौन से आईआईटी के साथ मिलकर पहला भारत का कोल्ड स्प्रे स्मार्ट ये लेबोरेटरी बनाई है, इसको बोलते हैं कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लेबोरेटरी। ये कौन सा आईआईटी है, ये है भारत का आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने करके दिखाया है। और आईआईटी मद्रास ने अभी अभी एक एग्रीकॉप्टर भी बनाया है। हमारे भारत के बहुत सारे किसान हैं जो जब खेतों के अंदर कीटनाशक डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, उस वजह से स्प्रे होता है और पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो कीटनाशक होते हैं एक मात्रा से ज़्यादा में वो मानवों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो काफ़ी सारे किसानों की डेथ हो जाती है उनको कीटनाशकों को पौधों के ऊपर स्प्रे करने से। ये एग्रीकॉप्टर क्या है, ये एक ड्रोन है, ये एक ड्रोन है जो छिड़काव करेगा कीटनाशकों का पौधों के ऊपर, इसको बनाया है आईआईटी मद्रास के बच्चों ने, ये भी याद रखिए। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया, इसका नाम क्या है,
सबसोनिक मतलब इसकी जो स्पीड है वो जो आवाज की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है उससे कम है, उसको बोलते हैं सबसोनिक। सोनिक बोलते हैं अगर उतनी ही स्पीड हो जितनी साउंड की है, और सुपरसोनिक बोलते हैं या सुपरासोनिक अगर वो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो। तो इसका नाम रखा गया है निर्भय। ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्रूज मिसाइल तो एकदम सीधी जाती है, जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना एकदम सीधा, मान लो ये टारगेट ए है और ये टारगेट बी है, तो ये सीधी जाएगी और अपने निशाने को हिट करेगी। ये होती है क्रूज मिसाइल, जैसे प्लेन उड़ता है एकदम सीधा जाता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कुछ बिल्कुल अलग है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये पॉइंट ए है और टारगेट आपका ये है बी, तो ये पहले ऊपर की तरफ जाती है और ये हमारे वातावरण से बाहर निकल जाती है। मान लो ये हमारे वातावरण की सीमा है, ये इससे बाहर निकल जाती है यानी ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर निकल जाती है, और फिर ये वापस आती है हमारे एटमॉस्फेयर में और ये लौट के अपने टारगेट को हिट करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो जनरली बहुत दूर की जो लोकेशन है, जैसे मान लो अगर कोई लोकेशन है 8000 किलोमीटर और उसको हिट करना है, तो आप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रूज मिसाइल ऐसे जाएगी सीधी, तो धरती के वातावरण में ही रहेगी और काफ़ी नज़दीक रहेगी, ठीक है ना, धरती के। तो ये किसी और चीज़ को हिट कर सकती है और कई सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अगर मान लो भारत को हमला करना है, मान लो अमेरिका के ऊपर, अब अमेरिका बहुत दूर है आप जानते हैं, 10-12 हज़ार किलोमीटर की रेंज में जो कंट्री हैं हमारे, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल से संभव हो पाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, उनकी रेंज अलग अलग होती है, उनका जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो इसमें निर्भय जो मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, ये भी याद रखिए, ये क्रूज मिसाइल है और ये हमारे कंट्री की पहली इंडिजिनसली डिजाइन यानी खुद हमारी देश में बनाई हुई मेड इन इंडिया डिजाइन और डेवलप्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ये वो क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज भी अच्छी है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये हम कब मनाते हैं? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं हम 12 तारीख को। क्यों? क्योंकि इस दिन जो पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम था यूरी गागरिन, वो इसी दिन गए थे। अब 12 अप्रैल को पहुंचे थे 1961 में, तो इसीलिए हम 12 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इनमें से कौन से अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिनका रिकॉर्ड बन गया है, इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन बिताए और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा 288 दिनों का, ये रिकॉर्ड था पैगी विट्सन के नाम। ये नासा की वैज्ञानिक हैं दोनों, पहले पैगी विट्सन थी, इनका रिकॉर्ड था अंतरिक्ष में एक ही बार में एक ही मिशन में 288 दिन लगातार इन्होंने बिताए। और जो दूसरी हैं जिन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है वो है क्रिस्टीना कोच, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा, क्रिस्टीना कोच। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, नासा ने अभी अभी कहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में, जिसका जो इनर कोर है वो सॉलिड है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं धरती की बात करूं तो ये हमारी धरती है इस तरह की, सबसे बाहर है इसे बोलते हैं क्रस्ट, फिर आता है मेंटल और फिर सबसे अंदर आता है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, हमारे कोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सॉलिड नहीं है, जो लिक्विड है, क्योंकि अंदर तापमान इतना ज्यादा रहता है कि वो पिघल जाता है। कौन सा ग्रह है जिसका जो इनर कोर है वो सॉलिड है? तो ये खोज हुई है अभी अभी कि जो मरकुरी है यानी बुध ग्रह, जो सूरज के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है, ये याद रखिए, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इसका जो कोर है वो सॉलिड है, याद रखिए। तो ये नासा का मैसेंजर नाम का एक वो है स्पेस क्राफ्ट, उसने मरकुरी के ऊपर क्रैश लैंड किया। क्रैश लैंड मतलब ये बुध ग्रह पे टकरा के खत्म हो गया ये, लेकिन इसने जाते जाते ये फोटो खींच के बता दिया और कई तरह के रिसर्च करके बता दिया वहाँ पे कि नासा को इतने हिंट दे दिए कि जो कोर है वो जो है वो उसका सॉलिड है। बेपी कोलंबो मिशन दो अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है, एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक जापान की स्पेस एजेंसी। ये कौन से ग्रह की खोज करने के लिए कर रहे हैं बेपी कोलंबो मिशन? कहाँ जाना चाहते हैं ये जाना चाहते हैं अगेन मरकरी के ऊपर, बुध ग्रह के ऊपर। तो ये बुध ग्रह को स्टडी करना चाहते हैं, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे नजदीक है। हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे पहला मॉलिक्यूल था, सबसे पहला जो अणु था, वो आज से 1400 करोड़ साल पहले था। तो ये अभी अभी इसकी खोज हो गई अंतरिक्ष में, इसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 या 3 एग्जाम में आ चुका है, जैसे अभी अभी एग्जाम हुआ था हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा गया था और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था यही सेम क्वेश्चन। ये है हीलियम हाइड्राइड आयन।
हीलियम हाइड्राइड आयन। हीलियम एक गैस होती है और हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, और जब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाती है तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विलयन। और सूरज के ऊपर यही हो रहा होता है, सूरज के ऊपर हाइड्रोजन मिल जाती है और हीलियम बनाती है और इससे हमें ऊष्मा मिलती है। तो हीलियम हाइड्राइड आयन जो है ये हमारा सबसे पहला 1400 करोड़ साल पहले मॉलिक्यूल था जो अंतरिक्ष में जिसकी खोज हो गई है। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी। नासा ने अभी अभी कौन से नासा के कौन से अंतरिक्ष यान ने जो रेड प्लेनेट है, रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं, लाल ग्रह, ये बोलते हैं मंगल ग्रह को, मार्स को, तो उस पर मार्स क्वेक की खोज करी है। मार्स क्वेक मतलब जैसे धरती पे अर्थ क्वेक होता है, अब अगर वही अगर भूकंप मार्स पे आ जाए तो बोलेंगे मार्स क्वेक, तो मंगल ग्रह पे भी भूकंप आते हैं। ये खोज करी है नासा के कौन से स्पेसक्राफ्ट ने, इसका नाम है इनसाइट लैंडर, इनसाइट लैंडर ये गया था मंगल ग्रह पे और इसने ये खोज की है। डीआरडीओ ने अभी अभी कौन सी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट फायर किया, यानी सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल, इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है आकाश 1S, और इसको ओडिशा में जो बालासोर है यानी जो वहां पे चांदीपुर के कोस्ट से वहां से टेस्ट फायर किया गया। ठीक है, तो जो भी ये टेस्ट फायरिंग होती हैं ये या तो होती हैं श्रीहरिकोटा वगैरह से होती हैं, कई सारी श्रीहरिकोटा में हमारा लॉन्च पैड है एक स्पेस के लिए, और जो मिसाइल वगैरह फायर होती हैं वो ओडिशा से होती हैं, चांदीपुर बालासोर। श्रीहरिकोटा है नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। तो आकाश 1S किस तरह की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। अब आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भारत के कौन से IIT ने क्या किया है पिछले एक साल में, उसकी मैंने कंपाइलेशन तैयार करी है, वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। सीधा क्वेश्चन आता है कि IIT मद्रास ने क्या करा, या ये वाली चीज़ हुई तो कौन से IIT ने करी, और उसको देखने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ, और जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली ने जो दृष्टिहीन छात्र हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल लैपटॉप बनाया है, इसका नाम रखा है डॉट बुक। तो IIT के दो स्टूडेंट हैं, एक तो पुलकित सप्रा और एक सुमन मुरली कृष्णन। IIT के दो बच्चों ने, पुलकित सप्रा और सुमन मुरली कृष्णन ने मिलकर एक दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक लैपटॉप बनाया है जिसका नाम रखा है डॉट बुक। भारत की सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिलकर एक MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजीज के लिए। यानी हम जो कचरा है उससे हम एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं, उससे हम धन वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सानफे SANFE ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे महिलाएं खड़े होकर टॉयलेट कर सकती हैं, ये IIT दिल्ली ने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सानफे, बहुत न्यूज़ में आ रहा है, और इसको IIT दिल्ली की तरफ से लॉन्च किया गया है। सिर्फ 10 रुपये का है ये प्रोडक्ट, और भारत में जो महिलाओं के लिए टॉयलेट हैं वो नहीं है, और हैं भी तो बहुत गंदे होते हैं, पुरुष तो कहीं भी टॉयलेट कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को बैठकर टॉयलेट करना होता है, और टॉयलेट हमारे पब्लिक टॉयलेट इतने गंदे होते हैं कि उनमें बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती, या बैठने कोई बैठ नहीं सकता इतने गंदे होते हैं। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं वो खड़े होकर सानफे की मदद से टॉयलेट कर पाएंगी इस प्रोडक्ट की मदद से, इसका प्राइस है सिर्फ 10 रुपये। तो ये IIT दिल्ली ने लॉन्च किया। IIT हैदराबाद की बात करते हैं। IIT हैदराबाद भारत का पहला IIT बना जिसने एक डेडिकेटेड BTech कोर्स शुरू करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये हमारी आजकल की पढ़ाई है जो अभी तक कॉलेजों में बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं दिया जाता था। सो IIT हैदराबाद पहला IIT है जो जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक BTech कोर्स, प्रॉपर बैचलर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अलावा भारत का पहला एक उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा ड्रोन डेवलपमेंट में। ड्रोन जिन्हें हम UAV बोलते हैं, अनमैंड एरियल व्हीकल, इनके विकास के लिए, इनको डेवलप करने के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र बनेगा IIT हैदराबाद के अंदर। IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम बनाया है
जिससे अगर दूध में मिलावट हो तो उसको कुछ ही सेकंड्स में पकड़ा जा सकता है। खास तौर पर अगर दूध एसिडिक हो या अम्लीय हो तो एक इंडिकेशन पेपर है जिसकी मदद से अगर दूध में एसिडिटी हुई ज़्यादा तो वो अपना रंग बदल लेगा। तो एक स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम है जिससे दूध में मिलावट तुरंत पकड़ी जा सकती है। अब बात करते हैं आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है और इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। इसरो जो है ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाएगा आईआईटी रुड़की के अंदर। याद रखिए भारत के दो आईआईटी हैं जिन्होंने ये एग्रीमेंट करा है, आईआईटी गुवाहाटी ने और आईआईटी रुड़की ने। यानी इसरो दो स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेल बनाएगा, एक तो बनाएगा आईआईटी गुवाहाटी में और एक बनाएगा आईआईटी रुड़की में। इसके अलावा आईआईटी रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक नया तरीका बनाया है। जो थूक होता है सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे सेलेवरी बायोमार्कर्स प्रोटीन होते हैं जो ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस में, अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर ऑफ द सर्विक्स, ओवेरियन कैंसर, ये बहुत कॉमन है इंडिया में भी। तो ये जल्दी डिटेक्ट हो पाए तो इनसे फिर काफ़ी महिलाओं को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है पुलेला गोपीचंद को। इन्हें बोलते हैं मानद डॉक्टरेट, यानी कि ऑनररी डॉक्टरेट। जब आप किसी व्यक्ति को उसके आजीवन योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि देते हो तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। तो जो पुलेला गोपीचंद है, भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी और उससे भी महान बैडमिंटन कोच रहे हैं और अभी भी हैं, तो आईआईटी कानपुर ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अब बात करते हैं आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। आपने रोपड़ वेटलैंड सुना होगा, रोपड़ आर्द्रभूमि। तो आईआईटी रोपड़ जो है, इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है, रोशनी मोबाइल ऐप की मदद से जो दृष्टिहीन लोग हैं वो करेंसी नोट्स को पहचान सकेंगे। यानी कोई भी नोट हो, करेंसी नोट हो, तो वो पता लगा सकेंगे। वैसे तो नोट के ऊपर फीचर होते हैं, जैसे कई उठी हुई चीज़ें होती हैं जिनको छूकर पता लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार वो उतना आसान नहीं होता, खासतौर पर अगर नोट पुराने हों या सॉइल्ड हों। लेकिन इस ऐप की मदद से, रोशनी की मदद से, जो दृष्टिहीन लोग हैं वो नोट का पता लगा पाएंगे कि ये कौन सा नोट है। तो ये लॉन्च करा है आईआईटी रोपड़ ने, रोशनी मोबाइल ऐप। अब बात करते हैं आईआईटी बीएचयू। प्रधानमंत्री मोदी गए थे आईआईटी बीएचयू में और वहां पे एक सुपर कंप्यूटर इन्होंने लगाया है जिसका नाम है परम शिवाय। की जो सुपर कंप्यूटर है, इसकी कैपेसिटी है 833 टेराफ्लॉप। और एक कंप्यूटर जो बना है ये परम शिवाय, ये बना है लगभग 32.5 करोड़ रुपए का। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है आईआईटी बीएचयू के अंदर। तो परम शिवाय क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। आईआईटी गुवाहाटी की बात करते हैं, तो आईआईटी गुवाहाटी ने भी आईआईटी रुड़की की तरह एक स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाया है इसरो के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट के अंदर। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे ये रिसर्च को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इससे भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि 2019 जो साल होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ये साल होगा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है और किसी भी डेवलपिंग कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्शन चाहिए होता है। तो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है 2019 के लिए द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यानी निर्माण प्रौद्योगिकी। आईआईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी भुवनेश्वर का जो नया कैंपस है अरागुल, वहां पे लॉन्च करा है। आईआईटी भुवनेश्वर का नया कैंपस बना है अरागुल में, और जो पाइका विद्रोह हुआ था उसकी एक डाक टिकट भी जारी की गई आईआईटी भुवनेश्वर में। पाइका विद्रोह जो है, अभी तक हम यही मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए पहली जंग हुई थी 1857 में, ये सही नहीं है। इससे सही 40 साल पहले 1817 में हुआ था पाइका विद्रोह उड़ीसा में। और अब भारत का जो एचआरडी मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने भी इस चीज को माना है कि 1857 नहीं बल्कि पाइका रिबेलियन जो थी ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की। और अब से जो अगले साल की बुक्स आएंगी उनमें फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल वो माना है पाइका रिबेलियन को। आईआईटी मद्रास की बात करते हैं, ये भारत का बेस्ट आईआईटी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार कह रही है। एनआईआरएफ रैंकिंग आई है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, खुद भारत की ऑफिशियल सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिलीज करता है।
तो उनके हिसाब से भारत का जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, भारत का जो बेस्ट आईआईटी है वो आईआईटी मद्रास, भारत का जो बेस्ट कॉलेज है वो है मिरांडा हाउस। तो वो उस रैंकिंग पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास भारत का बेस्ट आईआईटी है भारत सरकार के हिसाब से 2019 में। यहाँ पे सबसे पहले तो रॉबर्ट बॉश सेंटर बना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट बॉश सेंटर बना है यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए और डेटा साइंस के लिए, यानी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इस पे एकेडमिक रिसर्च होगा रॉबर्ट बॉश सेंटर में। दूसरा, आईआईटी मद्रास ने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है नीरो। नीरो इट इज एन ऑप्टिमाइज्ड डेसिकेंट सोलर स्टिल डिवाइस। नीरो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा, सोलर पावर से चलेगा, ठीक है। दूसरा, ये हवा में से पानी निकाल लेगा। हवा में आप जानते हैं मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होते हैं, तो ये उनसे पानी निकाल लेगा। तो एक दिन में ये 4 से 5 लीटर पानी निकाल सकता है और इस पानी का इस्तेमाल फिर कई चीजों के लिए किया जा सकता है। सो ये एक ऐसा डिवाइस है नीरो जो हवा से पानी बना सकता है। उसके अलावा आईआईटी मद्रास जो है इन्होंने ESPN क्रिक इन्फो वेबसाइट के साथ मिलके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एनालिटिक्स टूल लॉन्च करा है जिसका नाम है सुपर स्टैट्स। सुपर स्टैट्स लॉन्च करा है आईआईटी मद्रास ने। इसकी मदद से क्रिकेट में हम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें जान पाएंगे। आईआईटी मद्रास ने एक और चीज करी है कि उन्होंने पेट्रोल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है टोलुइन, उसे बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें, यह तरीका निकाल लिया है। बहुत ही कम दाम में हम ये कर सकते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है, देखिए मैं बताता हूं इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि भारत जो है वो पेट्रोल खरीदता है सारा का सारा, यानी कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल खरीदता है। क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज से, जो फिर इंडिया आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इंडियन ओशन को पास करते हुए भारत पहुंचता है। फिर इस क्रूड ऑयल को इसके डिफरेंट चीजों में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG, वैसलीन, ये सब। तो बेसिकली क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अचीव कर सकें। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। तो उनमें से एक होता है टोलुइन। अब टोलुइन जो है बहुत डेंजरस होता है, कार्सिनोजन का भी काम करता है, इससे कैंसर हो सकता है, हमारी सेहत को बहुत खराब हो सकता है, पक्षी, हमारे जो जीव हैं, वनस्पति, उनके लिए बहुत खराब है। तो टोलुइन तो बहुत डेंजरस है, लेकिन बेंजोइक एसिड डेंजरस नहीं है। तो टोलुइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने का तरीका निकाल लिया है आईआईटी मद्रास ने। और ये क्या करेगा, ये ग्रीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और बेंजोइक एसिड का एक फायदा ये भी है, एक तो ये डेंजरस नहीं है, दूसरा ये दवाई का काम करता है, फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है, और ये एक फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। आपने सोडियम बेंजोएट सुना होगा, तो खाने को लंबे समय तक वायबल, सुरक्षित रखने के लिए भी बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये करा है आईआईटी मद्रास ने। और जैसा मैंने बताया था, आईआईटी मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत का बेस्ट आईआईटी डिक्लेयर किया गया है। एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कॉन्ग्लोमेरेट जनरल इलेक्ट्रिक, इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर भारत का पहला कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लेबोरेटरी बनाया है आईआईटी मद्रास में। याद रखिए, भारत का पहला कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लेबोरेटरी है। यहाँ पे स्मार्ट की फुल फॉर्म है सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एडिटिव रिसर्च टेक्नोलॉजी, सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एडिटिव रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो ये भारत के अंदर लगा है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने एक तरीका निकाला है जिससे भारतीय स्क्रिप्ट को रीड किया जा सकता है, एक मल्टीलिंगुअल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे OCR होता है, वो भारतीय स्क्रिप्ट को भी अब रीड कर पाएगा। तो इसमें देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, ये सब जो स्क्रिप्ट हैं ये ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बधिर हैं, वो इसका इस्तेमाल करके साइन लैंग्वेज को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें, जब भारतीय स्क्रिप्ट को हम रीड कर पाएंगे, तो रीड करके फिर हम उसको उन तक पहुंचा पाएंगे, इसका उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उन्हें भी मदद मिलेगी। तो भारतीय स्क्रिप्ट के लिए एक रीडिंग तरीका निकाला है आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज डिवाइस लॉन्च करा है। इसको आप यहां देख सकते हैं, ये कोल्ड स्टोरेज डिवाइस है, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा है। ये आपके भोजन को, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, इन सबको सुरक्षित रखेगा बहुत लंबे समय तक। 500 किलो इसकी कैपेसिटी है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा, और साथ ही साथ पोर्टेबल भी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो डिवाइस इन्होंने लगाया है वो लगाया है कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट चेन्नई के पास।
इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, यानी चिप बनाया है, जिसका नाम है शक्ति। बहुत ही पावरफुल चिप है ये, जो मोबाइल कंप्यूटिंग और दूसरे डिवाइसेस में यूज किया जा सकता है। ये जो चिप है ये बेसिकली मतलब इंडिया ज्यादातर अपने जो चिप है वो खरीदता है, माइक्रो प्रोसेसर खरीदता है, तो हमारी जो इससे डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज पे वो भी कम होगी। अब हमारे खुद के अपने माइक्रो प्रोसेसर होंगे, तो आईआईटी मद्रास ने बनाया है शक्ति ये माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, एक माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी मुंबई ने भी बनाया है, ठीक है, तो वो अलग है, उसको हमें आगे जब आईआईटी मुंबई बताऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगला है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई जो है ये भारत में बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो क्यूएस रैंकिंग आई है उनके हिसाब से, यानी क्वेक करोली सिमोन रैंकिंग होती है, बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित रैंकिंग है ये, तो उनके हिसाब से भारत का बेस्ट आईआईटी है आईआईटी बॉम्बे। इसकी पूरी दुनिया में रैंक है 152। याद रखिए, भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं है इस वक्त। नंबर वन है एमआईटी नंबर वन है पूरी दुनिया में, और ये लगातार 8वें साल वर्ल्ड में नंबर वन इंस्टीट्यूट है, एमआईटी बोस्टन। भारत की 7 बहुत बड़ी कंपनियां हैं तेल की, ब्लू चिप ऑयल कंपनी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तो इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक एग्रीमेंट करा है। ये मिलके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगी इन ऑयल गैस एंड एनर्जी, यानी तेल गैस और ऊर्जा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, तो उसके लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ एग्रीमेंट किया गया है। आईआईटी बॉम्बे के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जिसका नाम है अजीत, ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आईआईटी बॉम्बे ने जो बनाया है उसका नाम है अजीत, और आईआईटी मद्रास ने जो बनाया है उसका नाम है शक्ति। दोनों ने माइक्रो प्रोसेसर अपने अपने बनाए हैं। आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट हैं उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू करा है जिसका नाम है इमोटिक्स, और इमोटिक्स स्टार्टअप ने इंडिया का पहला एडवांस्ड पर्सनल रोबोट मीको बनाया है बच्चों के लिए। ये रोबोट है जो बच्चों के साथ संवाद करेगा, बच्चों के चेहरे भी पहचान सकता है, बच्चों को देख पाएगा, सुन पाएगा, और बच्चों के नाम भी याद रखेगा, इनफैक्ट ये बच्चों के साथ बातें भी करेगा, तो बच्चे उसे अकेला फील नहीं करेंगे। बच्चों के लिए जो रोबोट बना है वो है मीको, और इसे आईआईटी बॉम्बे के स्टार्टअप इमोटिक्स ने बनाया है मीको। अब बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ के जो रिसर्चर हैं उन्होंने एक ऐसा स्मार्टफोन बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है जो नकली नोट को पकड़ लेगा, ठीक है, तो नकली नोट को पकड़ लेगा, ये टेक्नोलॉजी बनाई है आईआईटी खड़गपुर ने, एक ऐसा ऐप बनाया है, और दूसरी बात एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है इन्होंने जो थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि ताप संयंत्र हैं, ताप ऊर्जा संयंत्र, वो न्यूक्लियर रेडिएशन को जो एमिट करते हैं उसको ट्रैक कर पाएंगे। आप जानते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होती है, रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव रेज बोलते हैं, तो ये रेडियोधर्मी किरणें जो हैं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारे डीएनए में म्यूटेशन कर सकती हैं, चेंजेस कर सकती हैं, तो न्यूक्लियर रेडिएशन ट्रैकिंग के लिए भी इन्होंने एक सॉल्यूशन अभी अभी बनाया है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर जो है इन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडीएसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है। ये मिलके एक 1.3 पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाएंगे और डेटा सेंटर बनाएंगे, इसको फंड करेगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो सीडेक के साथ पार्टनरशिप करी है आईआईटी खड़गपुर ने। इसके अलावा जो विप्रो कंपनी है भारत की आईटी कंपनी है, विप्रो कंपनी इसलिए भी न्यूज में आई थी क्योंकि इसके नए चेयरमैन बने हैं रिशाद प्रेम जी, तो विप्रो कंपनी ने एक आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन करा है 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च के लिए। 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च के लिए विप्रो ने पार्टनरशिप करी आईआईटी खड़गपुर के साथ। भारत में जो जहाज रानी मंत्रालय है जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उन्होंने एमओयू साइन करा है आईआईटी खड़गपुर के साथ। ये बनाएंगे सीआईसीएमटी आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में। सीआईसीएमटी क्या होता है? सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरिटाइम टेक्नोलॉजी, सीसीआईएमटी बनेगा आईआईटी खड़गपुर में, ये सागरमाला परियोजना के तहत बनेगा। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर जो है ये एक स्कीम है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिसका नाम है स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन यानी स्पार्क, उसके लिए ये नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होगा। नेशनल स्पेस डे यानी अंतरिक्ष दिवस हम कब मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस की डेट फिक्स नहीं होती, ये मई के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, तो इस बार मई का पहला शुक्रवार था 3 मई को, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आते हैं फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मई, सेकंड फ्राइडे ऑफ जून, इस तरह से डेट नहीं लिखी होती जनरली,
तो मई के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। ये 1997 में शुरू किया गया था और इसको अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने शुरू किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है हथियार बनाने वाली। स्टेम को प्रमोट करने के लिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इनको मिला के बोला जाता है स्टेम, उसको प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। तो आंसर है इसका 3 मई। जापान का एक प्राइवेट रॉकेट है, वो बाहरी अंतरिक्ष में पहली बार पहुंच गया। इसी के साथ जापान का पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचा है। तो इस रॉकेट का नाम क्या था, इस जापान के प्राइवेट रॉकेट का क्या नाम था? इसका नाम था मोमो तृतीय। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसे बोलते हैं जाक्सा, JAXA, जैपनीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी जाक्सा। जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, वैसे ही जापान की जाक्सा है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, हम कब मनाते हैं? ये 11 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 11 मई के दिन, और इसलिए मनाया जाता है। इसका नाम था प्रोजेक्ट शक्ति। भारत का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। ये कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए अनुसंधान करेंगे मिलकर? ये जॉइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे कैंसर से लड़ने के लिए, कैंसर। इनमें से कार्गो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया। तो कार्गो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है ये कौन सी स्पेस एजेंसी का है? ये है स्पेसएक्स। कार्गो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सारे कंट्रीज का जॉइंट इनिशिएटिव है। स्पेसएक्स जो है उसने कौन सी इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करी? ये सबसे पहली इंटरनेट सैटेलाइट है जो स्पेसएक्स कंपनी ने लॉन्च करी। ये रॉकेट यूज़ किया इन्होंने फैल्कन 9, और इसका नाम क्या था? इसका नाम इन्होंने रखा स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है, एक अंतरिक्षयान है, तो वो उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे इस अंतरिक्षयान ने पानी खोजा है अंतरिक्ष में, यानी धरती से सबसे दूर कौन सी जगह है जहाँ पे पानी मिला है, ये नासा ने खोजा है। इस जगह का नाम रखा है इन्होंने अल्टिमा थूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टिमा थूल। भारत का पहला ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन, यानी एक बहुत बड़े लेवल की वैज्ञानिक प्रदर्शनी हुई जिसका नाम था विज्ञान समागम, ये कौन से शहर में हुआ? ये हुआ मुंबई में, विज्ञान समागम। हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। मुंबई के अलावा ये बेंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली में भी आने वाले समय में आयोजित की जाएगी, लेकिन सबसे पहली हुई थी मुंबई में, नेहरू विज्ञान केंद्र में। भारत के कौन से IIT ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर रिसर्च करने के लिए रॉबर्ट बॉश सेंटर बनाया है, जिसका नाम रखा है रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस? इसी IIT ने एक एग्रीकॉप्टर नाम की मशीन बनाई है, यह ड्रोन का इस्तेमाल करेगी ये मशीन, जिससे जो किसान हैं वो कीटनाशकों का छिड़काव करते हुए वो सफ़र ना करें, उनकी सेहत ख़राब ना हो, क्योंकि कीटनाशक किसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एग्रीकॉप्टर मशीन बनाई है, रॉबर्ट बॉश सेंटर बनाया है, और इस IIT ने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जिसका नाम है शक्ति। एक याद रखिए, एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है अजीत। अजीत बनाया है IIT मुंबई ने, और शक्ति बनाया है IIT मद्रास ने। इस क्वेश्चन का आंसर भी IIT मद्रास। तो रॉबर्ट बॉश सेंटर जो बना है वो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बना है IIT मद्रास में। हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक डॉर्फ गैलेक्सी खोजा है। डॉर्फ गैलेक्सी मतलब एक छोटा तारों का समूह। ये धरती से कितने करोड़ लाइट ईयर दूर है, कितने मिलियन? ये धरती से
3 करोड़ यानी 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, और ये जो तारों का समूह है इसका नाम भी इन्होंने रख दिया, इसका नाम है बेडिन प्रथम। ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना आपको, बेडिन वन। ये एक छोटा तारों का समूह है। अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, उसने कौन सी दूरबीन है उसको शुरू करा है। ये 2 साल के मिशन पे जाएगी, अभी 2023 में जाएगी 2 साल के मिशन के लिए, और ये चेक करेगी कि जो अंतरिक्ष है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, वो इवॉल्व कैसे हुआ। तो ये इसका नाम क्या रखा है, ये नई दूरबीन का, इसका नाम रखा है स्फीयर एक्स, स्फीयर एक्स। इनमें से कौन सा नासा का दूरबीन है जिसने अभी अभी 3 लाख नए गैलेक्सी खोजे हैं। आप सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको बोलते हैं आकाशगंगा, या अंग्रेजी में हम इसे मिल्की वे भी बोलते हैं, और इस गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे हैं, ठीक है, अरबों खरबों, और उनमें से एक सितारा है सूर्य, और सूर्य तो बहुत छोटा है, सूर्य से बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं। तो आप सोचिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो 3 लाख नए गैलेक्सी खोजे, ये कौन सा टेलीस्कोप है, इसका नाम है लोफर, लोफर, लोफर की फुल फॉर्म है लो फ्रीक्वेंसी अरे टेलीस्कोप, लो फ्रीक्वेंसी अरे टेलीस्कोप। 18 देशों के लगभग 200 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे खोजा है। स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 4 यानी SPD 4, ये न्यूज में था अभी, ये कौन से देश से रिलेटेड है। स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 4 अमेरिका से रिलेटेड है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी एक अंतरिक्ष सेना बनाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी होती है, नेवी, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, मैरीन होते हैं, और कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक बल। अब अमेरिका चाहता है कि उनकी स्पेस फोर्स भी बने, तो स्पेस फोर्स के लिए उन्होंने स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 4 ऑर्डर किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। कौन सा कंट्री है जो दुनिया में तीसरा कंट्री बना जिसने एक अंतरिक्ष रॉकेट को समुद्र से छोड़ा। इस रॉकेट को लॉन्च किया गया समुद्र से, ये कंट्री है चाइना। चाइना, अमेरिका और रूस के बाद चाइना तीसरा कंट्री है जिसने एक अंतरिक्ष यान को, अंतरिक्ष रॉकेट को, वो समुद्र से दागा। भारत जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, कौन से साल तक भारत बनाएगा, 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन। नासा का जो एक बहुत फेमस टेलीस्कोप है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, इस दूरबीन का नाम है स्पिट्जर स्पेस। तो 16 साल इसने अपनी सेवाएं दी, अब नासा ने इसे बंद कर दिया है, ठीक है, बंद करने का निर्णय लिया गया। तो ये परमानेंटली स्विच ऑफ कब हो जाएगा, इसको 30 जनवरी 2020 में परमानेंटली स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। इसमें ईंधन की कमी हो गई है और अब ये उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। तो स्पिट्जर टेलीस्कोप ने 16 साल अपनी सेवाएं दी, पर 30 जनवरी 2020 को इसे बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। कौन सा कंट्री है जिसने अपनी पहली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV को लॉन्च करा है, ये कंट्री है इंडिया। और इससे फायदा क्या होगा, इससे भारत जो छोटे छोटे उपग्रह है, छोटे छोटे सैटेलाइट, उन्हें बहुत कम दाम में लॉन्च कर पाएगा, और इसका इस्तेमाल क्रूज मिसाइल को छोड़ने के लिए भी होगा। ये DRDO ने शुरू करा है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। श्रीलंका की पहली सैटेलाइट जिसका नाम है रावण प्रथम, ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने छोड़ी। श्रीलंका की पहली सैटेलाइट है ये रावण वन, इसको लॉन्च करा गया अभी अभी, और इसको लॉन्च किया गया जाक्सा के द्वारा, जापान की जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसके द्वारा किया गया। अभी अभी एक रोबोट, ये पहला एस्ट्रोबी रोबोट बना है जो अपने खुद के वजन में ही ये अंतरिक्ष में घूमेगा। इस रोबोट का नाम क्या है, इस रोबोट को अंतरिक्ष में भेज दिया गया है और ये अपने ही वजन से ताकत जनरेट करेगा, पावर जनरेट करेगा और अंतरिक्ष के चक्कर लगाएगा। इसका नाम रखा गया है बम्बल, BUMBLE, बम्बल। और याद रखिए, दो और इसी तरह के रोबोट छोड़े जाने हैं, एक का नाम होगा हनी और तीसरे वाले का नाम होगा क्वीन। सबसे पहला छोड़ा गया बम्बल, दूसरे वाला हनी और तीसरे वाला क्वीन। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो ड्रैगन फ्लाई रोबोट को छोड़ेगी, जिससे वो जो
शनि ग्रह है जिसको हम बोलते हैं सैटर्न, ये ग्रह जिसके चारों तरफ आपको ऐसे रिंग दिखते होंगे, ये है सैटर्न शनि ग्रह। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो चांद है उसको बोलते हैं टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। तो टाइटन के ऊपर ये ड्रैगन फ्लाई मिशन कौन करेगा, ये करेगी नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है, नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में। डीआरडीओ जो है उसने नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाग किस तरह की मिसाइल है, ये सेम क्वेश्चन अभी अभी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम में भी आया था। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं, एग्जैक्टली यही चार ऑप्शन दिए थे, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो नाग मिसाइल है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक को खत्म करने के काम आती है शत्रु के, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और अगर इसको हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है तो इसको हेलिना कहा जाता है, हेलिना। कौन से कंट्री का एरोस्पेस है जिसने भारत के साथ एक 5 करोड़ की डील करी है, ये करी है इसराइल ने। ये डील क्या है, भारत को कॉम्प्लीमेंट्री मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करेगा भारत को ये कंट्री इसराइल। कौन सा राज्य है भारत का जहां पे भारत का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, स्पेस टेक पार्क बनेगा केरल में, केरल में बनेगा, और ये तिरुवनंतपुरम में बनेगा, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ही है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कौन सा कंट्री है जिसने अभी अभी अपना स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, इसका नाम था तियानजोंग द्वितीय, तियानजोंग को चाइना ने खत्म कर दिया। और चाइना का जो जीपीएस सिस्टम है उसको बोलते हैं बीडू, बीडू। चंद्रयान द्वितीय भारत ने लॉन्च कर लिया सक्सेसफुली, तो भारत कौन सा देश बना चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, भारत बना चौथा कंट्री, अमेरिका चाइना और अमेरिका रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा कंट्री है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। यह भी पूछ सकते हैं चंद्रयान को लेके कौन उड़ा रॉकेट, तो रॉकेट था जीएसएलवी MK3M1, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से छोड़ा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और ये श्रीहरिकोटा नेल्लोर जिले में आंध्र प्रदेश के। तो चंद्रयान जो है बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, इसमें टोटल जो इसका वजन था वो था 3850 किलोग्राम, और सॉफ्ट लैंडिंग करी है, ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक जाएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक। 978 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है मिशन की। नासा का जो पंच मिशन है उसके लिए किस भारतीय को को इन्वेस्टिगेटर बनाया गया है, पंच मिशन जो है ये सूरज की फोटो खींचेगा, सूर्य के लिए है मिशन पंच, पंच और पार्कर दोनों मिशन सूर्य के लिए हैं, तो इनका नाम है दीपांकर बैनर्जी, दीपांकर बैनर्जी। पंच की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, जो कोरोना है और हेलियोस्फीयर ये दोनों सूरज के लेयर हैं, तो पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। जो खगोलविद हैं, खगोल वैज्ञानिक, उन्होंने सबसे पहला फोटो खींचा ब्लैक होल का, ये फोटो था बहुत फेमस हुआ था, तो ये कौन सी दूरबीन से खींचा, उस दूरबीन का नाम बताइए, उस टेलीस्कोप का नाम बताइए, ये टेलीस्कोप था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये नासा का टेलीस्कोप है और नासा का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। स्पेस एक्स कंपनी जो है उन्होंने डार्ट मिशन शुरू किया है, इसमें आर का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस एक्स का मिशन डार्ट क्या है, ये धरती है प्लेनेट अर्थ, अगर धरती की तरफ कोई क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा है, धरती से टकरा ना जाए, इसके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से अंतरिक्ष यान भेजेंगे और वो इस क्षुद्र ग्रह से टकरा जाएगा और टकरा के इसकी दिशा बदल देगा जिससे ये धरती की तरफ फिर ना आए, इसको बोलते हैं डार्ट मिशन। तो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन मतलब होता है उसकी दिशा बदल देना, पुनर्दिशा कर देना, रीडायरेक्शन टेस्ट, इसका नाम है डार्ट मिशन। तो यहां पे आर का मतलब है रीडायरेक्शन। स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर हैं एलोन मस्क, एलोन मस्क। स्पेसएक्स इस मिशन को 2022 तक पूरा कर देगी, जून 2021 में शुरू होगा और अक्टूबर 2022 को खत्म होगा, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ डे कब मनाया गया, जो साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, ये होता है डीआरडीओ दिवस। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी।
डीआरडीओ बना कब था अगर आपसे पूछें? यह बना था सन 1958 में। सो ये था हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरे एक साल के करंट अफेयर का वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं, और इस वीडियो को स्टडी आईक्यू के माध्यम से आप तक लाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी।